दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर लगातार मृतकों के परिजन और साथ ही साथ वो लोग जो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं उनके भी परिजनों का यहाँ पर आना लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक ये आंकड़ा 27 तक पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली फायर सर्विसेज के जो डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि अब तक यहाँ पर 27 से भी ज्यादा लोग आए हैं, लेकिन 27 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है क्योंकि अब भी वहां पर सर्च ऑपरेशंस जारी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं क्योंकि हमने देखा कि रात के 10 बजे संजय गांधी अस्पताल में लोग यहाँ पर आए थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके परिजन हैं तो आखिर है कहाँ। तो अभी तक 31 लोग जो हैं वो मिसिंग पाए गए हैं, लापता हैं 31 लोग, जिसमें से 6 लोगों की जो डेड बॉडी है वो आइडेंटिफाई कर दी गई है, 6 लोगों की पहचान कर दी गई है, शिनाख्त हो गई है। और देखिए यहाँ पर ये हेल्प डेस्क बनाया गया है, यहाँ पर ये मिसिंग डेस्क बनाया गया है, यानी कि यहाँ से जितनी भी जानकारी है वो यहाँ पर लोग दे रहे हैं कि उनके कितने लोग मिसिंग है, कौन से परिवार वाले जो हैं वो यहाँ से लापता है, वो सारी जानकारी इस वक्त यहाँ पर इस हेल्प डेस्क पर दी जा रही है। सर, कितने लोगों की अभी मिसिंग की जानकारी? मिसिंग 31 है, जिसमें से 6 लोगों की शिनाख्त हो गई है और जिसमें 25 फीमेल है और 6 मेल है। अभी यदि हम मृतकों की बात करें तो मृतकों की संख्या क्या है? मृतकों की संख्या 20 संख्या भी नहीं बताई पूरी, मृत्यु की संख्या अभी कोई नहीं बताई, डाउट है उसमें पूरा क्लियर नहीं है। इसमें से 31 जो मिसिंग थे उनमें से 6 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, 6 की शिनाख्त हो चुकी है। हाँ जी, लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर लगातार लोगों का आना जारी है, वो इस फॉर्म पर अपने सारे तमाम डिटेल्स भर रहे हैं और लगातार तस्वीरों के जरिए एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है। और ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो बेहद हृदय विदारक तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि जो 27 लोग जो उस आग में जलकर भस्म हो चुके हैं उनका क्या दोष था? देखिए इनका क्या दोष था, इनकी क्या गलती थी? उसमें दोष था तो उस शासन का, प्रशासन का और साथ ही साथ उस कंस्ट्रक्शन का जिसे एनओसी के बगैर कंस्ट्रक्ट किया गया, कई सारे लूपहोल्स उस बिल्डिंग में थे। अतुल गर्ग जो दिल्ली फायर के चीफ है, उन्होंने हमसे बातचीत में ये पूरी बात बताई कि किस तरह से उस बिल्डिंग में एक एक लूप होल था, उस बिल्डिंग में किसी तरह का कोई एनओसी नहीं था, बिल्डिंग में एक ही एग्जिट गेट था और साथ ही साथ 50 से 60 लोग एक बिल्डिंग में बंद थे, बिल्डिंग को खोलने के लिए भी केवल एक ही दरवाजा था। तो इसलिए यहाँ पर स्थिति इतनी भयावह पैदा हुई और आग ने इतनी तेज लपटे पकड़ ली कि वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर पाना मुश्किल हो रहा था। और देखिए यहाँ पर लगातार परिजन केवल इंतजार कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के भी यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर केवल इनके मन में यही सवाल है कि इनके परिजन है तो है कहाँ, इनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ इंतजार है, उम्मीद है और कयास लगाए बैठे हैं कि बस एक बार उनके फोन की घंटी बज जाए और उन्हें ये संदेश मिल जाए कि हाँ आपके परिवार वाले ठीक है।